स्वामी जी, फिर जब आपने पत्तों की बात करी दी है तो हम उसी फिगमेंट पर आ जाते हैं, उस मिशन पर आ जाते हैं जो आप लगातार चला रहे हैं, एक पौधा सेहत के नाम। स्वामी जी, आज कौन सा चमत्कारिक पौधा आप लगाने जा रहे हैं? तो आज का चमत्कारी पौधा है ये पान का। अब पान कुछ लोग सोचते हैं ये तो भाई भगवान को अर्पित करते हैं, जब पूजा पाठ करते हैं तब। ये पान की लता होती है, पान का कोई पेड़ नहीं होता है, बाकी पेड़ों पर पत्ते लगते हैं लेकिन ये लता है। और इसकी बड़ी महिमा है, एक तो सभी देवताओं को ये प्रिय है और इससे कब्ज दूर होती है, सिर दर्द दूर होता है, मुँह की दुर्गंध दूर होती है। पान खाने से कभी मुँह में पारिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एंटी बैक्टीरियल भी है, एंटीवायरस है, इससे इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और दिल के लिए भी फायदेमंद है, मोटापा को दूर करता है, पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी अच्छा करता है। तो ये पान का पत्ता ऐसे ना, इसको साफ पत्ता ऐसे, ये साफ पत्ता यहाँ पर रखा है। अब इसको पान के पत्ते में रखो, लोग क्या करते हैं चूना लगाते हैं। ना तो चूना किसी और को लगाना चाहिए और ना चूना खुद खाना चाहिए। लोग दूसरों को भी चूना लगाते रहते हैं, आपको अपने आप ही को चूना लगाते रहते हैं। तो हमने इसका नया विकल्प दिया, थोड़ा सौंफ डाल लो और इसमें थोड़ा एक गुलकंद डाल लो। ये गुलकंद वाला जो पान है ना साहब, तो लोग तो ऐसे गाना बनाते हैं खाने के, पान बनारस वाला छोरा गंगा किनारे वाला, और उसमें फिर वो चूना लगाते हैं, चूने की जगह इसमें गुलकंद डालो। अरे एक के बजाय तो दो खाने का मन कर रहा है गुलकंद के साथ। हाँ, और ये फेफड़े के लिए बड़ा अच्छा होता है, लंग के लिए, कफ कोल्ड के लिए। स्वामी जी, अब पान के पत्ते की महिमा तो समझ ही गए, तो अब कत्था चूना नहीं लगाना है, सुपारी नहीं डालनी है, गुलकंद लगा के पान खा सकते हैं, लेकिन उसके लिए पौधा रोपना पड़ेगा। स्वामी जी, इलायची डाल सकते हैं। अब स्वामी जी, एक और बीमारी है जिसका नाम है ब्रोंकाइटिस। अब स्वामी जी, ये ब्रोंकाइटिस किस वजह से होती है, इस पे क्या होता है? और दूसरी बात है कि स्वामी जी, खासकर इस मौसम में जबकि बरसात होती है, डैम्पनेस ज्यादा होती है, तो लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होने लगती है स्वामी जी। ये इसी से जिसके अंत में लगता हो ना, अब मैं इसका इलाज बताता हूँ। इस ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों की सूजन, साइनोसाइटिस नाक की सूजन, सोराइसिस स्किन की सूजन, अर्थराइटिस अंदर हड्डियों में सूजन, पेनक्रियाटाइटिस पेनक्रियाज की सूजन। हाँ, ये जो सूजन है ना अंदर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्वेलिंग, वो तो छोटा शब्द है, इसके लिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी है अंदर इन्फ्लेमेशन। तो फेफड़े में जो इन्फ्लेमेशन है ना, उसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस। तो अंदर का इन्फ्लेमेशन मिटाने के लिए एक तो दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, चिकनाई और ठंडी चीज़ें, फ्रिज का पानी तो कतई नहीं, पानी हमेशा गर्म पीना, और वो भी श्वासारी का पानी पिए, मुलैठी का पानी पिए, थोड़ा मुलैठी दालचीनी, इतना अच्छा रहता है पानी, इतना स्वीट भी होता है, बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो सादा पानी नहीं पीना, गर्म पानी पीना, और उसमें भी थोड़ी सी मुलैठी, थोड़ा सा दालचीनी, इसको उबाल करके अच्छे से और रख दे। इसका फिर जो गदला सा पानी वो नीचे बैठ जाएगा, साफ नितरा हुआ पानी आप बोतल में, थर्मस आदि में भर करके रख लें, और वो भी कांच की बोतल या स्टील की बोतल होनी चाहिए या मिट्टी का पात्र होना चाहिए। ये तो प्लास्टिक की बोतलों में, प्लास्टिक के कण करीब 70% लोगों के अंदर माइक्रो प्लास्टिक अंदर चला गया। तो ब्रोंकाइटिस के लिए दिन भर मुलैठी का, दालचीनी का पानी पीना, या स्वासारी का क्वाथ का, या दिव्य पेय, ये दिव्य पेय बड़ा ज़बरदस्त है। ये जो इधर हमारे दिव्य पेय रखा है ना, ये दिव्य पेय हमने रेडीमेड भी बना दिया हमने। पहले हमने पाउच में देना शुरू किया था, फिर लोग बोले हमको तो उसमें चाहिए। ये जो है हमारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं बार बार योग देखने के लिए, घास भी चर रहे और जो है ये देख रहे हैं कि भाई अब तो ये भी योगी हो रहे हैं। हाँ चलो, तो दिव्य पेय तुमको भी पिलाएंगे बाद में, दिव्य पेय पिला दे। हाँ, अब ये देखो
ये ऑर्नामेंटल है, तो इनको भी समझ है, ऑर्नामेंटल नहीं खा रहे, देखो ये भी, हाँ ऑर्नामेंटल नहीं खाते, ये देख रहे हैं कि भाई ये खाने का नहीं है, तो जो घास है उसी को खा रहे हैं, वासा खा रहे हैं, सतावर खा रहे हैं, हाँ उसको खा रहे हैं। और चलो तो दिव्य पेय पीना, हाँ ब्रोंकाइटिस ठीक हो जाएगा, और सोराइसिस हो तो फिर नमक मीठा बंद कर दो, और कायाकल्प वटी खाओ, कायाकल्प तेल लगाओ, या डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिलिनोग्रिट, एक और है दिव्य तैलम खाओ और दिव्य कैप्सूल ले लो, तो फिर सोराइसिस भी ठीक हो जाता है। पेनक्रियाटाइटिस हो, पेनक्रियाज में सूज हो, तो पेनक्रियोग्रिट, ये बड़ा ज़बरदस्त है, और ये पित्त बढ़ने से होती है। इन्फ्लेमेशन किसी भी तरह का कब होता है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है अंदर, और टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, और सबसे ज़्यादा टॉक्सिन्स किससे बढ़ते हैं, नमक से और चीनी से, मैदा से, अनहेल्दी फूड से, अनहेल्दी आहार, अनहेल्दी विचार, ऐसे ही गलत थॉट्स को हम कंज्यूम करते रहते, गलत आहार को कंज्यूम करते रहते, गलत हवा को, मैंने कहा पॉलिटिकल पोल्यूशन, रिलीजियस पोल्यूशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पता नहीं कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के पोल्यूशंस को कंज्यूम करके पूरे फिर इन्फ्लेमेशन बढ़ाते रहते हैं, इन्फेक्शन बढ़ाते रहते हैं। खुली हवा में भस्त्रिका करो, ये है ब्रोंकाइटिस का सॉल्यूशन। शंखनाद करो जैसे सुरमा बताया था, कुछ लोगों को ना शंख बजाना नहीं आता, ऐसे फूंक मारते हैं, ऐसे नहीं, इसमें मुंह को ऐसे चोंच की तरह बना करके इसके मुंह पे लगाया जाता है, ऐसे ऐसे करना होता है, शंख बजाना भी सिखा रहा, वो तो शंख ही नहीं बजाना आता। अब हिंदू होकर के शंख बजाना ना आए, हिंदू होकर के जिसको थोड़ा वेद दर्शन उपनिषद भगवत गीता ना आए, कोई रामचरितमानस की कोई चौपाई ना आए, हिंदू होकर के राम तत्व का, कृष्ण तत्व, हनुमत तत्व, शिव तत्व का, ब्रह्म तत्व का बोध ना हो, योग तत्व का बोध ना हो, सनातनी होने का मतलब क्या रह गया जी? ऐसे जोर से शंखनाद किया कर, पूरा आनंद ही आनंद है, भस्त्रिका किया करे। अरे टाइम बहुत हो गया, वहाँ भी आनंद है और यहाँ बाहर भी बहुत आनंद है, जैसा कि आपने वर्णन किया था परमानंद कि है आपके घर में जैसे लाइट जलती है, सूरज की लाइट आज बिल्कुल वैसी है। सूर्य देव भी आज हम पर मेहरबान है, बहुत ज्यादा हार्श लाइट है नहीं, और हवा भी चल रही है बीच बीच में, बहुत मजा आ रहा है। कुल मिलाकर अगर दिल्ली NCR के AQI की बात की जाए तो 50 के आसपास है, लेकिन स्वामी जी ये ज्यादा दिनों तक 50 के आसपास रहेगा नहीं, क्योंकि अब सर्दियां जैसे जैसे आएंगी तो AQI का लेवल बढ़ेगा, और वो बढ़कर इतने खतरनाक लेवल पर हो जाएगा, 250 से होते हुए 300, 400, 450, हमने पिछले साल देखा था 500 तक भी AQI गया था, और तब परेशानी बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्वामी जी हमें अपने फेफड़ों को मजबूत बनाना होगा, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी होगी, तो एक तो फेफड़े कैसे मजबूत बनाए जाए प्राणायाम के जरिए वो बताइए, और स्वामी जी जब पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है, खासकर AQI का लेवल बढ़ जाता है, तो ये भी देखने को मिला है कि लोगों को खांसने में भी बहुत परेशानी होती है, सूखी खांसी की लोग बड़ी शिकायत करते हैं, और कई बार तो खांसी उनकी निकल ही नहीं पाती, अटक जाती है, तो वो कैसे प्राणायाम करके अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं? बहुतों को हर्निया हो जाता है, जब योग करते समय भी खांसी आए ना, तो थोड़ा कंठामृत, इसलिए मैंने बोला था कंठामृत, खदिर आदि, ये सब थोड़ा सा रखना चाहिए, या ब्रोंको में ही चूस लेना चाहिए, या देखो इधर एक पत्ता रखा है, इसका नाम है, ये जो पत्ता है ना, इसका नाम है डम्बेल, इसके 3 पत्ते ले लो, और काली मिर्च ऐसे लेकर के ना, काली मिर्च इधर रखी है, थोड़ा लौंग 1 और 2-3 काली मिर्च लेकर के, वैसे तो 5 बादाम और 5-10 काली मिर्च धीरे धीरे मुंह में चबा लो, नाक बंद होते हैं तो खुल जाते हैं, दौड़ने से नाक खुलते हैं, काली मिर्च और बादाम चबाने से नाक खुलते हैं, ये दम्बेल और आजपान के पत्ते के बारे में तो लास्ट में बताने वाले हैं, ये ऐसे मुंह में डाल लो, और इससे सब दमा दम उखड़ता है ना, बोले दमा दम के साथ जाएगा, थोड़ा सा दम लगा। अब बात वायरल दावे की सच्चाई की। हाँ
अस्थमा पेशेंट्स ना कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं और ना कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं स्वामी जी। सवाल ये है कि क्या वाकई में अस्थमा पेशेंट अगर कोई स्पोर्ट खेलेंगे तो उन्हें नुकसान हो जाएगा? ये 100% झूठा दावा है। अस्थमा वालों को खेल खेलना चाहिए, धीरे धीरे अपने फेफड़े की स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, ऐसे झूठे दावों से बचना चाहिए। ये अलग बात है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। मैंने सुना अभी झारखंड में कुछ लोग भर्ती के लिए दौड़ रहे थे, दौड़ते दौड़ते 8-9 बच्चे तो मर गए। क्यों? 9 बच्चे मर गए और 100 बेहोश हो गए। लेकर के आए एकदम से कोई भी एक्सरसाइज ना करें। ये 100 मर गए रे रामा। नहीं नहीं स्वामी जी, 100 बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। और तकरीबन हर दिन ये इस तरीके की घटना सामने आ रही थी। तो एक्सरसाइज करनी है, योगाभ्यास भी करना है, कोई स्पोर्ट भी खेल सकते हैं, लेकिन सलाह के साथ धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाते हुए।